वो क्या है जिसने 49 साल बाद भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक के सेमीफाइनल तक पहुंचाया? वो क्या है जिसने 1980 के बाद पहली बार पुरुष टीम को ओलंपिक पदक दिलाया? वो क्या है जो बदला, और वो क्या है जो नहीं बदलने के बावजूद भारतीय टीम को मेडल जीतने में कामयाबी मिली? अब टोक्यो ओलंपिक खत्म हो चुके हैं और भारत में 7 मेडल जीतने का जश्न जारी है। तकरीबन 12 साल पहले की बात है, भारतीय हॉकी टीम के साथ विदेशी कोच होजे ब्रासा ने काम करना शुरू किया था। हालांकि वो ज्यादा समय तक टीम के साथ नहीं रहे, लेकिन यही वो वक्त था जब भारत ने सीखा कि जान लगा दो, और ब्लैक बोर्ड पर सिखाने के अलावा मैदान में भी बहुत कुछ होता है। ब्रासा ने कहा था कि किसी निचले पायदान की टीम को ऊपर तक लाने में या ओलंपिक पोडियम फिनिश करने में तकरीबन 12 साल तो लगेंगे। इससे पहले भारतीय हॉकी टीम के कोच रहे रिक चार्ल्सवर्थ ने भी यही बात कही थी। अब ये दिलचस्प है कि ठीक 12 साल में भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक पोडियम पर पहुंची। हालांकि जिस तरह का प्रोफेशनल प्रोसेस होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जरूरत से ज्यादा कोच बदले गए। टूर्नामेंट से ठीक पहले नए कोच को लाया गया। उसके बावजूद कोच ग्राहम रीड ने टीम को उस मुकाम तक पहुंचाया जिसकी तैयारी और भविष्यवाणी 12 साल पहले की गई थी। टीम को ओलंपिक पदक दिलाने में ग्राहम रीड और हरेंद्र सिंह की मिलीजुली मेहनत रही। साल 2019 के अप्रैल में ग्राहम रीड भारत आए थे। उनके पास ओलंपिक में भारतीय टीम को पोडियम तक पहुंचाने के लिए महज 1 साल था। दुनिया भर के लिए कोरोना महामारी मुसीबत बनी रही, लेकिन भारतीय हॉकी टीम को उसने तैयारी का 1 और साल दिया। शायद वो 1 साल बेहद अहम साबित हुआ जो ओलंपिक टलने से भारतीय हॉकी टीम को मिला। इस दौरान रीड को टीम की बेहतर ट्रेनिंग करने का वक्त मिला और आखिरकार भारत ने कांस्य पदक जीत लिया। भारत की इस टीम में 2016 के जूनियर वर्ल्ड कप का भी योगदान रहा जो लखनऊ में हुआ था। कोच हरेंद्र सिंह की चैंपियन टीम के 8 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में गई टीम का हिस्सा थे। भारतीय कोचों में हरेंद्र सिंह ऐसे शख्स हैं जिनके जूनियर या सीनियर टीम के साथ रहने की वजह से उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में बेहद मदद मिली जो भारत को पोडियम पर पहुंचा सकी। इन 12 सालों में तेजी से बदलाव हुए। दुनिया भर में कोच के लिए 4 साल का साइकिल होता है। इसे नहीं अपनाया गया, लेकिन खाने से लेकर मॉडर्न इक्विपमेंट और खिलाड़ियों की सोच से लेकर मॉडर्न कोचिंग तक जो लागू हुआ उसने टीम को ओलंपिक खेलों के पोडियम तक पहुंचा दिया। शैलेश चतुर्वेदी, TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।